नमस्कार दोस्तों, फीमेल बॉडी बिल्डिंग क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम नाडिया कैपाटोस्टो है। वो एक प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर, IFBB प्रो कम्पेटिटर, मिस ओलंपिया कम्पेटिटर और फिटनेस मॉडल है। नाडिया का जन्म 1990 को हुआ था। 2015 में उन्होंने पहली बार जिम में कदम रखा, लेकिन 2017 से उन्होंने अपने कोच सर वंचेंजो आयोसा के साथ प्रॉपर क्लचेस की शुरुआत की। उनको सर इसलिए कहा गया है क्योंकि स्पार्टन मेथड्स में ट्रेनिंग सेशन को एम्फसाइज करने के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। हमारे यह ओलंपिया कंटेंडर फिगर के लिए जन्मी थी, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रक्चर उस कैटेगरी के लिए सूटेबल नहीं था। उन्होंने अपनी पहली कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की और प्रो कार्ड अपने नाम किया। उन्होंने एना लुइस फेरस के पीछे कम्पीट करके दूसरा स्थान प्राप्त किया और रिमनी में पांचवा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपना हाइपरट्रॉफिक नेचर अकोमोडेट करने के लिए WBB में मूव करने का फैसला किया। आगे चलकर सर लॉसा के गाइडेंस में उनके लिए एक हार्ड और मेटिक्यूलस वर्क वेट कर रहा था। मिस्टर आयोसा ने उनके हर प्रेपरेशन का ख्याल रखा। उनके कोच ने उनको हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स की मदद से पुराने तरीके से ट्रेनिंग करवाई और हमेशा न्यूट्रिशन कंट्रोल रखा। साथ ही साथ वो उनके बहुत ही कम चीट मील्स, पोजिंग रूटीन और कलर चॉइस को भी मॉनिटर करते रहे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे वर्कआउट देखे जो वेट रूम में ह्यूमन टॉर्चर से चुने गए प्रतीत होते थे। द विल टू विन, हाउएवर, द डिजायर टू सक्सीड, द इम्पल्स टू रीच फुल पोटेंशियल और 17 kg इन 3 years, यह सब पर्सनल एक्सेलेंस के दरवाजे खोलने की चाबी थी। बहामज में जीत हासिल करने के बाद उनको मिस ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफिकेशन मिल गया। हमारी यह बेहतरीन फीमेल बॉडीबिल्डर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन फीमेल बॉडीबिल्डर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड टाइम्स, द बेस्ट कम्स फ्रॉम देयर।